पत्रकार को पिटाई की जा रही है उस पटना जैसे। बहुत ही दुखद स्थिति है जिस दौर से बिहार गुजर रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह दौर भी आएगा, सपना में भी कभी हम लोग नहीं सोचते थे। सुशासन की बात कहकर और जिस तरह से सत्ता में आए, कहीं सुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं दिख रही। जिस शासन की दुहाई देकर सरकार में नीतीश कुमार दिया है, उस शासन से भी बदतर स्थिति आज हो गई। उस समय कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी, उससे भी बदतर स्थिति हो गई। अब दिन दहाड़े हर जगह घटनाएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। पत्रकार की पिटाई वो अभी पटना के बगल में और इस तरह से पिटाई हुई है। अब तो उसको लगता है कि भगवान ही मालिक है। हमने पहले भी कई बार कहा है कि नीतीश जी खुद हस्तक्षेप करें, अगर कर सकते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को सुधारें, वरना फिर बिहार की जनता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लें, यह हमसे संभव नहीं है। सर, जहाँ पत्रकारों पर हमला हुआ है वो अस्पताल बीजेपी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं उनका है। देखिए, किसी का हो इस तरह की घटना कहीं भी होती है तो इसको इजाज़त नहीं दी जा सकती। किन्हीं अस्पताल के मालिक कोई भी हो, इसको बिना देखे कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर दूसरी जगह इस तरह की घटना लोग करने के बारे में सोच भी ना सके, तभी घटनाएं। सर, आखिरी सवाल यह है कि